Hello everyone, welcome back. I'm in front of you all, and as usual, I hope so that you're doing well and stay at your home, be strong, stay safe. और जैसे कि आपको पता है ये पैंडेमिक जो कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन है मे बी कंट्रोल हो पाए रेस्ट इट डिपेंड अपन गॉड्स विल बट वी हैव टू डू एंड ट्राई अवर लेवल बेस्ट और यही चीज़ मैं आप सभी को कहना चाहूँगा तो एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अभिनंदन करना चाहूँगा इस YouTube चैनल के माध्यम से जिसमें आपको वीडियो के माध्यम से स्टडी मटेरियल जो है प्रोवाइड करवाया जा रहा है और सबसे बड़ी चीज़ मैं हमेशा एक ही चीज़ आप लोगों को कहता हूँ बच्चे कि आप अपने घर परिवार में अपनी सोसाइटी में अपनी चारों तरफ के वातावरण में बच्चे देखेंगे ना तो ये जो लेसन हम पढ़ते हैं ना हूबहू एक सिमिलर लेवल पे कहीं ना कहीं वो कहानी हमारे किसी ना किसी परिवार की लगती है या हमारे साथ वो चीज़ हो रही होती है तो ऐसी कहानी मैं आज आप सभी के समक्ष लेकर के हाजिर हूँ प्लस वन स्टैंडर्ड एज यूजुअल दिस इज द फिफ्थ लेसन ऑफ प्लस वन स्टैंडर्ड इट्स अ लेसन नेम मदर्स डे बाय जेबी प्रिस्क एंड एज यूजुअल हम हर वर्ष की तरह आपको याद है अक्सर मैं क्लास में भी बताता हूँ बच्चे कि मदर्स डे सेलिब्रेट क्यों किया जाता है इसका एक बेसिक रीजन है ये जो परंपराएं आ रही हैं बच्चे की वेस्टर्न से हैं एक पाश्चात्य संस्कृति से कि वहाँ के लोग अपने आप को इतना मशगूल कर चुके हैं काम में और पैसे में इस दुनिया की रेपिटेशन में अपने आप को एक सुपीरियर बनाने के लिए कि वो अपने पेरेंट्स की केयर नहीं कर पाते तो वो साल में एक दिन वर्ष में एक दिन जो वृद्धाश्रम होते हैं वो अपनी मदर से मिलने जाते हैं बच्चे इसलिए वो मदर्स डे मनाते हैं बट एज फार एज आई थिंक एवरी डे शुड बी अ मदर डे हर एक दिन मातृ दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए क्योंकि माता एक ऐसा एक सोर्स है हमारी जिंदगी का जिसने अपने जिंदगी को एक जिंदगी को दांव पर लगा करके हम बच्चों को जन्म देती है जिंदगी भर सेक्रीफाइस करती है कभी हम उस सेक्रीफाइस को नहीं देखते और बदले में कभी भी थैंक यू तक नहीं कहते यही वातावरण इसके अंदर हमें कहीं ना कहीं अपनी कहानी नजर आएगी तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस विद ऑल द कैरेक्टर्स व्हिच इज इन द स्टोरी ऑफ मदर्स डे फर्स्ट ऑफ ऑल मिसेस एनी पियर्सन जॉर्ज पियर्सन द हस्बैंड ऑफ एनी पियर्सन डॉरिस एंड सिल पियर्सन चिल्ड्रन मिसेस स्विट्जरलैंड द नेबर ऑफ मिसेस पियर्सन टाइम द प्रेजेंट एंड प्लेस लंदन सबर where this incident occurred and this is all about the story of the mother of the author in which he tells us how we treated our mother in our day-to-day life we always misbehave with our mothers so in this lesson we will come to know how Mrs. Fitzgerald the neighbor of Mrs. Pearson helps her to establish her power into her family as a boss of her family but it becomes possible due to the helping nature of Mrs. Fitzgerald because of the reason was that she knew very well how the children and husband of Mrs. Pearson always treated with Mrs. Pearson as like as her servant. So this is wrong story. This is not fair. So we'll come to know about the story of the Mother's Day through all these characters. And I'll tell you the translation of this lesson English to Hindi. The action takes place in the living room of the Pearson's house in a London suburb. लंदन के उपनगर में मिसेज पियर्सन के एक लिविंग रूम के अंदर ये नाटक जो है वो होता है सीन द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन फैमिली पियर्सन परिवार का एक रहने का कक्ष आफ्टरनून दोपहर इट इज अ कंफर्टेबली फर्निश्ड मींस व्यवस्थित और एक बड़े आरामदारी वाले तरीके से बहुत ही कंफर्टेबल जोन में फर्निश किया गया मच लिव्ड इन रूम इन अ स्मॉल सबर्बन सेमी डिटैच्ड विला और ज़्यादातर इस छोटे से उपनगरीय में एक आधा इसके साथ जुड़ा हुआ विला है इफ नेसेसरी ओनली वन डोर नीड बी यूज्ड
और ये एक ऐसा स्टेज का एक दृश्य बनाया गया है जिसमें यदि जरूर दो तो केवल एक दरवाजे का ही प्रयोग किया जाता है, बट इट इज बेटर विद टू, परंतु दो के साथ ही ज्यादा अच्छा है। वन अप लेफ्ट, एक ऊपर बाई लीडिंग टू द फ्रंट डोर, जो फ्रंट डोर पर जाता है स्टेज सीढ़ियों पर, एंड द अदर इन द राइट वॉल, जो राइट वॉल दीवार की तरफ लीडिंग टू द किचन, किचन तक लेके जाता है, बैक डोर पीछे का दरवाजा। दे कैन बी अ मसलिन कवर्ड विंडो, एक मखमली कवर, मखमली कपड़े से कवर्ड जो विंडो इन द लेफ्ट वॉल, एक लेफ्ट दीवार की तरफ, एंड पॉसिबली वन इन द राइट वॉल, और संभवतः एक राइट वॉल की तरफ भी है। द फायर प्लेस इज यूज्ड टू बी इन द फोर्थ वॉल, और चौथी दीवार की तरफ एक फायर प्लेस मीन्स अंगीठी या चूल्हा प्रतीत होता है। देयर इज अ सेटी अपराइट, और वहां पर एक सेटी ऊपर राइट की तरफ, एन आर्म चेयर, और एक बाजू वाली कुर्सी डाउन लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ नीचे, वन डाउन राइट, और एक राइट की तरफ। ए स्मॉल टेबल विद टू चेयर्स ऑन आइदर साइड ऑफ इट स्टैंड्स एट द सेंटर, एक स्मॉल टेबल विद टू चेयर, दो चेयर्स के साथ है, और इसके केंद्र के बीच में उसको एक तरफ जो है रखा हुआ है। व्हेन द कर्टेन राइजेस, जब पर्दा उठता है, इट इज एन आफ्टरनून इन अर्ली ऑटम, और अर्ली एक पूर्व शुरुआती पतझड़ का ये दोपहर का मौसम था, एंड द स्टेज कैन बी वैलिड, और स्टेज को बहुत ही साज सज्जा, एक बहुत ही प्रकाशमान किया गया था। मिसेज पियर्सन एट राइट, मिसेज पियर्सन राइट में, मिसेज पियर्सन एट लेफ्ट पर है, आर सिटिंग अपोजिट ईच अदर एट द स्मॉल टेबल, स्मॉल टेबल की दोनों तरफ अपोजिट में जो कुर्सियों पर बैठे होंगे, और टू टी कप्स, और उनके बीच में दो कप्स चाय के प्याले हैं, सॉसर्स एंड द कार्स विद व्हिच मिसेस पर्सनलेट हैज बीन टेलिंग मिसेस पियर्सन फॉर्चून, और थोड़ा बहुत जो भविष्यवाणी है, एक जो ज्योतिषी का कार्य भी जो मिसेस पर्सनलेट जानती है, मिसेस पियर्सन को उसका भाग्य बताती है। मिसेस पियर्सन इज अ प्लेजेंट बट वरिड लुकिंग वुमन इन हर 40s, एक बहुत ही खुशनुमा लेकिन एक चिंताग्रस्त औरत जो अपनी 40 साल की उम्र में, मिसेस फिट्ज़गेरल्ड इज ओल्डर, उससे बड़ी है, हैवियर बॉडी एंड स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली एंड सिनिस्टर पर्सनैलिटी, एक बहुत ही सिनिस्टर व्यक्तित्व है। शी इज स्मोकिंग, वो सिगरेट पी रही है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है दैट दिस टू शुड हैव शार्पली कॉन्ट्रास्टिंग वॉइसेस, और उनकी बड़ी आवाज की जो कंट्रास्ट करे तो उसकी बहुत ज्यादा तेज आवाज है। मिसेस पियर्सन स्पीकिंग इन अ लाइट, मिसेस पियर्सन बहुत ही हल्के पन से आवाज में बात करती है, फ्लरिड सॉर्ट ऑफ टोन, और कुछ एक फ्लरिड बीच में इस प्रकार का एक स्वर है, विद ए टच ऑफ सबर्बन कॉकनी परहैप्स, और शायद एक उपनगरीय प्रकार का एक जो उसका स्पर्श है लैंग्वेज में। एंड मिसेस पियर्सन विद अ डीप वॉइस, गहरी आवाज वाली है, रेदर इरिश परहैप्स, शायद उसका इरिश लैंग्वेज है। मिसेस पियर्सन आर कलेक्टिंग अप द कार्स, कार्स को इकट्ठा करते हैं, दैट्स ऑल आई कैन टेल यू, केवल मैं इतना बता सकती हूँ। मिसेस पियर्सन कुड बी ए गुड फॉर्च्यून, और तुम्हारा एक अच्छा भाग्य हो सकता है, कुड बी बैड वन, और बुरा भी हो सकता है, ऑल डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ नाउ, अब ये सब आप पर निर्भर करता है, मेक अप योर माइंड, अपने मन में ठान लो, मन बना लो, एंड देयर इट इज, बस इतना ही है। मिसेस पियर्सन यस थैंक यू वेरी, हाँ धन्यवाद मिसेस पियर्सन, आई एम मच ओब्लाइज्ड, मैं बहुत ज्यादा कृतज्ञ हूँ, आई एम श्योर, मुझे पक्का विश्वास है, इट्स वंडरफुल हैविंग अ रियल फॉर्च्यून टेलर इन नेक्स्ट डोर, और एक अद्भुत बात है कि मेरे घर के अगले दरवाजे पर एक वास्तव में भविष्यवाणी बताने वाली एक ऐसी औरत रहती है। डिड यू लर्न दैट आउट इज ट्रू, क्या आपने गुरु के देशों से सीखा है? मिसेस पियर्सन जी यस, मैंने गुरु के देशों से सीखा, 12 इयर्स आई हैड ऑफ इट, और 12 साल हो गए मुझे सीखे विद माय ओल्ड मैन राजीव दुबी, लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर, मेरा अपना पति जो कि लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर था, ही लर्न अलोट, उसने भी सीखा था, एंड लर्न अ लोट मोर, और उससे भी ज्यादा मैंने सीखा, बट विल यू मेक अप योर माइंड नाउ, क्या अब आपने अपना मन बना लिया है? मिसेस पियर्सन डियर, पुट योर फुट डाउन, और अपने पैर को जो है अपना थोड़ा सा हिम्मत बनाओ, वंस एंड फॉर ऑल, एक बार नहीं हमेशा के लिए, एंड बी द मिस्ट्रेस ऑफ योर ओन हाउस, अपने घर की मालकिन हो जाओ, एंड द बॉस ऑफ योर ओन फैमिली, और अपने परिवार की बॉस बन जाओ। मिसेस पियर्सन स्माइलिंग एपोलॉजेटिकली, क्षमा भाव से मुस्कुराते हुए, दैट्स इजियर सेड देन डन, मिसेस पियर्सन ने कहा मिसेस फिट्ज़गेरल्ड को कि ये करना बहुत मुश्किल है, कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। बिसाइड्स आई एम सो फॉन्ड ऑफ देम इवन इफ दे आर सो थॉटलेस एंड सेल्फिश, इसके अलावा मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ, चाहे वो विचारहीन है या स्वार्थी है, दे डोंट मीन टू बी, और मेरा उससे कोई मतलब नहीं। मिसेस फिट्ज़गेरल्ड कटिंग में, बीच में बात को काटते हुए भी नोट, नहीं हो सकता, बट इट वुड बी बेटर फॉर देम, ये उनके लिए भी अच्छा हो सकता है, इफ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपरली, अगर वो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करना सीख जाए। मिसेस पियर्सन यस हाँ, आई सपोज इट वुड इन अ वे, और मैं मानती हूँ कि इस तरह से होगा। मिसेस फिट्ज़गेरल्ड नो डाउट अबाउट इट ऑल, और इसमें कोई शक भी नहीं है, हु इज द बेटर फॉर बींग स्पॉइल्ड, और जो ऐसे बिगड़े हुए बच्चे हों उनमें कौन अच्छा होता है, ग्राउन अप बच्चे जो होते हैं, लड़का या लड़की, बिगड़े हुए हों, नो बड़े कोई भी नहीं, यू थिंक इट डज देम गुड, क्या आप सोचते हो उनके लिए अच्छा होगा? वैन यू रन आफ्टर देम ऑल द टाइम, हमेशा जब तुम उनके पीछे
भागती रहती हो, टेक देयर ऑर्डर्स, उनके आदेश लेती रहती हो, एज इफ मानो यू आर द सर्वेंट इन द हाउस, कि तुम घर में एक नौकर हो। स्टे एट होम एवरी नाइट, हर रात को तुम घर पर रहते हो। व्हाइल दे गो आउट एंजॉयिंग देमसेल्फ, वो खुद जो है एंजॉय करने के लिए बाहर जाते हैं। नेवर इन ऑल योर लाइफ, और तुम्हें कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं, इट्स द न्यू ऑफ देम एज वेल एज यू, ये तुम्हें भी बर्बाद कर देंगी और उन्हें तो करेंगे। हस्बैंड सन्स डॉटर्स शुड बी टेकिंग नोटिस ऑफ वाइव्स एंड मदर्स, हस्बैंड्स को अपनी पत्नियों के लिए, सन्स और डॉटर्स को अपनी माता का ध्यान देना चाहिए। नॉट गिविंग देम ऑर्डर्स एंड ट्रीटिंग देम लाइक डर्ट, एक गंदगी की तरह, एक नौकर की तरह उनके साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। एंड डोंट टेल मी यू डोंट नो व्हाट आई मीन, मुझे मत बताना तुम्हारा क्या मतलब है, मुझे नहीं पता। फॉर आई नो मोर देन यू हैव टोल्ड मी, जितना तुम्हें बताया उससे ज्यादा मैं जानती हूँ। मिसेस पियर्सन, ड्यूबियसली, संशयपूर्वक, संदेहास्पद, आई कीप ड्रॉपिंग अ हिंट, और मैं एक संकेत दे रही थी मिसेस पियर्सन, एंड हिंट, संकेत इज मोर देन हिंट्स योर फैमिली नीड्स, कहती मैं संकेत से उन्हें समझा देती हूँ, पर कहती तुम्हारे परिवार को तो हिंट से ज्यादा समझाने की, हिंट की जरूरत नहीं है, तुम्हारे परिवार को उससे ज्यादा की जरूरत है। मिसेस पियर्सन, मिसेस पियर्सन, ड्यूबियसली, संशयपूर्वक, आई सपोज इट इज, मैं मानती हूँ ऐसा है, बट आई डू हेट एनी अनप्लेजेंटनेस, लेकिन घर के अंदर में ये लड़ाई झगड़े से नफरत करती हूँ। एंड इट्स सो हार्ड टू नो वेयर टू स्टार्ट, और ये मेरे लिए जानना बहुत मुश्किल है कि कहाँ से शुरू करूँ, उनको कैसे सुधारूँ अपने बच्चों को। आई कीप मेकिंग अप माई माइंड टू हैव इट आउट विद देम, बट समहाउ आई डोंट नो हाउ टू बिगिन, मैं कई बार अपना मन पूरा बना लेती हूँ कि उन्हें अपने कंट्रोल में करूँ, परंतु कैसे मैं नहीं जानती कहाँ से शुरू करना है। शी ग्लैंसेस एट हर वॉच और एट अ क्लॉक, वो अपनी घड़ी या दीवार घड़ी पर देखती है। ओह गुड ग्रेसियस, अरे ये क्या, गुड, भगवान का शुक्र, लुक एट द टाइम, समय देखो, नथिंग रेडी, कुछ तैयार नहीं, दे विल बी होम एनी मिनट, किसी भी समय, किसी भी मिनट वो घर आती होंगे, एंड प्रोबेबली ऑल इन अ हरी टू गो आउट अगेन, और संभवतः है सभी जल्दी में होंगे, क्योंकि उन्हें दोबारा बाहर जाना होगा। एज शी इज अबाउट टू राइट, जैसे वो उठने लगती है, मिसेस पियर्सन रीचेस आउट अक्रॉस द टेबल एंड पुल्स हर डाउन, और वो टेबल की तरफ पहुंचती है और उसे नीचे खींच कर बिठा लेते हैं। मिसेस पियर्सन लेट देम वेट, लेट देम वेट और लुक आफ्टर देमसेल्फ फॉर वंस, एक बार उन्हें इंतजार तो करने दो, खुद की देखभाल खुद करने दो। दिस इज वेयर योर फुट गोज डाउन, और यही है जहां तुम अपने आप को प्रोत्साहित की बजाय हतोत्साहित कर लेती हो, एकदम से नीचे झुक जाती हो। स्टार्ट नाउ, अभी शुरू करो। शी लाइट्स अ सिगरेट फ्रॉम द वन शी हैड जस्ट फिनिश्ड, एक सिगरेट के बाद जो अभी खत्म किया वो दूसरी को सुलगा लेती है। मिसेस पियर्सन एम्बरेस्ड, परेशान होकर, मिसेस पियर्सन, आई नो यू मीन वेल, मैं जानती हूँ तुम्हारा एक अच्छा अर्थ है, इनफैक्ट वास्तव में आई एग्री विद यू, मैं तुम्हारे से सहमत हूँ, बट आई जस्ट कांट, मैं अभी नहीं कर सकती, एंड इट्स नो यूज यू ट्राइंग टू मेक मी, और इसका कोई फायदा नहीं जो तुम मेरे लिए कोशिश कर रही हो। आई प्रोमिस यू आई वुड रियली हैव इट आउट विद देम, यदि तुम मुझसे वायदा करती हो तो मैं शायद उनके लिए कर पाऊँ। आई नो आई वुडंट बी एबल टू कीप माई प्रोमिस, मैं जानती हूँ मैं अपना वायदा नहीं निभा पाऊंगी। मिसेस पियर्सन, देन लेट मी डू इट, तो ठीक है मुझे कर दे दो फिर। मिसेस पियर्सन फ्लस्टर्ड, ओह नो आई नहीं, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस पियर्सन, बट दैट वुडंट डू एट ऑल, परंतु पूरी तरह से ऐसा कुछ नहीं होगा, इट कुडंट पॉसिबली समबडी एल्स, और किसी संभवतः किसी के लिए कुछ नहीं हो पाएगा। दे वुड रिसेंट इट एट वंस, वो तुरंत इसका प्रतिरोध करेंगे, एंड वुडंट लिसन, नहीं सुनेंगे, एंड रियली आई कुडंट बिलीव देम, और मैं वास्तव में उनको जो है दोष नहीं दे पाऊंगी। आई नो मैं जानती हूं आई ऑट टू डू इट, और मुझे ये करना चाहिए, बट यू सी हाउ इट इज, परंतु ये जानती हूं ये सब कैसे है। शी लुक्स अपोलोजेटिकली अक्रॉस द टेबल, टेबल की तरफ से वो एक क्षमा भाव वाले व्यवहार से, दृष्टिकोण से देखते, स्माइलिंग रैदर मिजरेबली, और दुखी होने के बजाय मुस्कुराते हुए। मिसेस पियर्सन लैट पूरी शांत भाव से, यू हैवंट गॉट द आइडिया, तुम्हें शायद ये अच्छा विचार नहीं मिला। मिसेस पियर्सन बिल्डर हैरान होकर, वो आई एम सॉरी, मुझे खेद, आई थॉट यू आस्क्ड मी टू दैट टू डू इट, मैंने सोचा था कि तुम मुझे ऐसा करने के लिए बोलोगे। मिसेस पियर्सन आई डिड, मैंने ऐसा किया, बट नॉट एज मी एज यू, मैं ऐसा नहीं करूंगी तुम्हारी तरह नहीं बल्कि खुद की तरह। मिसेस पियर्सन बट आई डोंट अंडरस्टैंड, परंतु मैं नहीं समझती, कुडंट बी बी मी, तुम मैं कैसे हो सकती हूँ। मिसेस पियर्सन पूरी शांत भाव से, भी चीख बली से, हम एक दूसरे की जगह बदल लेते हैं, और रियली बॉडीज और शरीर भी लुक लाइक मी, तो मेरी तरह दिखोगी, आई लुक लाइक यू, मैं तुम्हारी तरह दिखाई दूंगी। मिसेस पियर्सन बट दैट्स इम्पॉसिबल, ये असंभव है। मिसेस पियर्सन हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे पता है, एवर ट्राइड इट, कभी कोशिश की है। मिसेस पियर्सन नो ऑफ कोर्स नो, अरे नहीं वास्तव में नहीं। मिसेस पियर्सन पूरी शांत भाव से, आई हो मैंने किया, नॉट फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए नहीं, बट इट्स स्टिल ओवर टू वर्क, परंतु ये अभी भी काम करनी चाहिए, वुडंट लास्ट हो, ज्यादा लंबे समय तक नहीं करेगी, बट लॉन्ग इनफ फॉर व्हाट वी वांट टू डू, लेकिन इतने समय तक जरूर करेगी जो हम करना चाहते हैं। लर्न इट आउट दिस, मैंने ये पूर्वी देशों से सीखा, ऑफ कोर्स वी हियर वी आर अप टू ऑल दीस स्टेज, जहां पर ये सब चालें सिखाते हैं। शी होल्ड्स हर हैंड आउट अक्रॉस द टेबल, टेबल की दूसरी तरफ से उसने उसका हाथ में हाथ जो है पकड़ा, कीपिंग द सिगरेट इन हर माउथ, मुंह में सिगरेट को रखा, गिव मी योर हैंड स्टिल, हियर इट इज स्टूडेंट, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक है जिसमें कुछ एक लेटेस्ट वर्जन के वर्ड है, गिव मी, जी आई डब्ल्यू एम ई, इट मीन्स गिव मी,
give me your hands here, dear, अपना हाथ मुझे दो. Mrs. Pearson dubiously shunted her. Well, I don't know. ठीक है, मैं नहीं जानती. Is it right? क्या ऐसा करना ठीक है? So, ये था मदर्स डे का आपका फर्स्ट पार्ट लेसन था, और ये लेसन लेंथ ही है स्टूडेंट, इसके टू पार्ट भी बन सकते हैं, एंड देयर कैन बी आल्सो थ्री पार्ट. सो टेक केयर, थैंक यू.